सो हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली रियल क्रिकेट कंपनी की तरफ से एक शानदार गुड न्यूज निकल कर आ चुका है। जी हाँ गाइस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर ही बोल के रखा था आप सभी को कि रियल क्रिकेट कंपनी की तरफ से आपको एक ब्रांड न्यू क्रिकेट गेम देखने को मिलने वाला है, एंड ये एक अच्छा क्रिकेट गेम होगा जिसका नाम है रियल क्रिकेट स्वाइप। तो रियल क्रिकेट स्वाइप फाइनली प्ले स्टोर पर आ चुका है अर्ली एक्सेस बीटा में, एंड अभी आप लोग इस गेम को डाउनलोड करके खेल सकते हो। लेकिन उससे पहले आप लोग इस गेम को एक बार देख लो कि इस गेम के अंदर फीचर्स आपको क्या मिलेगा, गेम के अंदर क्या आपको न्यू चेंजेस देखने को मिलने वाला है, एंड ये रियल क्रिकेट स्वाइप के अंदर आपको टूर्नामेंट वगैरह कौन कौन सा मिलेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करके दिखाऊंगा। एंड ये जो क्रिकेट गेम है लगभग 600+ MB आपको डाउनलोड करना होता है, एंड ये पहला बीटा वर्जन है तो उसके हिसाब से इस गेम के अंदर क्या कुछ फीचर्स है वो सब कुछ देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए जितना हो सकेगा इस लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखना ऐसे ही सरप्राइज एंड एक्सक्लूसिव वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस, रियल क्रिकेट कंपनी ने जो ये रियल क्रिकेट स्वाइप को रिलीज किया है ना, ये लगभग 650 MB के करीब आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद गेम के अंदर भी और भी फाइल्स जो है उसको भी आपको इंटरनेट कनेक्शन ऑन करके डाउनलोड करना होता है। एंड ये जो क्रिकेट गेम है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, मेरा ओपन हो चुका है, मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। एंड उसके बाद कुछ इस तरह से आपको गेम का जो मेन मेनू है वो देखने को मिलेगा, जहां पर आपको काफी सारे फीचर्स कमिंग सून में देखने को मिलेगा। जैसे कि मॉड्स जो फीचर्स है वो अभी नहीं है इस गेम के अंदर, लेकिन वो भी आएगा। यहाँ पर आपको प्रोफाइल सेक्शन देखने को मिलता है, आपको रियल क्रिकेट 24 जैसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड ये जो क्रिकेट गेम है इसके अंदर खास करके ध्यान रखा गया है जो लो एंड डिवाइस है उनके लिए, तो यहाँ पर भी आप अल्ट्रा सेटिंग को यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट जो क्वालिटी है वो आपको HD में देखने को मिलता है, वो भी आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर जॉयस्टिक एंड स्वाइप वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। खास करके ये स्वाइप मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये रियल क्रिकेट स्वाइप नाम से है, तो इस वजह से स्वाइप सेटिंग को यूज करके ही खेलना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको सेटिंग ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर होम स्क्रीन के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेगा, टेस्ट मैच देखने को मिलेगा, आपको मिशन देखने को मिलेगा। एंड टूर्नामेंट के अंदर आपको इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, आपको RCPL का जो भी टूर्नामेंट वगैरह है वो सब कुछ देखने को मिलेगा। खास करके ये जो कंपनी है जो भी टूर्नामेंट वगैरह है वो सब कुछ इंक्लूड करके ही गेम को रिलीज किया है, ताकि बाद में आपको कोई शिकायत नहीं आए कि ये टूर्नामेंट मिसिंग है, वो टूर्नामेंट मिसिंग है। इसीलिए कंपनी ने सारे टूर्नामेंट को इस गेम के अंदर डाल के ही गेम को रिलीज किया है। एंड ऊपर से यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि रियल क्रिकेट का अलग टूर्नामेंट ऑप्शन, इंटरनेशनल का अलग ऑप्शन, ऐसे आप जाके इंजॉय कर सकते हो। एंड यहां पर आपको क्विक प्ले मैचेस के अंदर सभी इंटरनेशनल टीम्स देखने को मिलेगा, एंड जर्सी वगैरह भी काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। एंड 250+ आपको लाइसेंस प्लेयर गेम के अंदर देखने को मिलेगा। कंपनी ने ये प्ले स्टोर पे आपको मेंशन करके दिया होगा कि 250 प्लेयर आपको लाइसेंस देखने को मिलेगा इस रियल क्रिकेट स्वाइप क्रिकेट गेम के अंदर, ठीक है। तो आपको 250 लाइसेंस प्लेयर देखने को मिलेगा, एंड आपको रियल क्रिकेट 24 जैसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड जो गेम प्ले है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पर एक्सपर्ट, कस्टम, हार्ड, मीडियम, लो एंड सभी हिसाब अपने हिसाब से सेट करके आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा स्टेडियम भी देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से रियल क्रिकेट कंपनी रियल क्रिकेट जो 22 वाला क्रिकेट गेम है ना, उसको मॉडिफाई करके ही रियल क्रिकेट स्वाइप बनाया है, क्योंकि काफी लोगों का पसंद आया था रियल क्रिकेट 22, एंड काफी सारे डिवाइस में भी रियल क्रिकेट 22 अच्छे तरीके से चल रहा था। तो उस वजह से शायद रियल क्रिकेट कंपनी ने रियल क्रिकेट 22 को मॉडिफाई करके रियल क्रिकेट स्वाइप किया है। एंड यहाँ पर देख सकते हो आपको कमेंट्री आकाश चोपड़ा के देखने को मिलता है बाय डिफॉल्ट हिंदी कमेंट्री में, आप उसको सिलेक्ट करके गेम को कंटिन्यू कर सकते हो। एंड बहुत सारा स्टेडियम वगैरह आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे लाइसेंस प्लेयर देखने को मिलेगा, लेटेस्ट अपडेटेड स्क्वाड देखने को मिलेगा, तो आप उसको लेके गेम प्ले कर सकते हो। तो उस हिसाब से देखेंगे तो गेम के अंदर बहुत अच्छा काम किया है कंपनी, कोई भी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि ये फीचर्स नहीं है गेम के अंदर, वो वाला फीचर्स आना चाहिए, ऐसा नहीं है। सब कुछ आपको गेम के अंदर बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से ही देखने को मिलता है। एंड जो आपको यहाँ पर विजुअल देखने को मिलता है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। अगर आप अल्ट्रा सेटिंग में जाके खेलोगे ना, आपका गेम प्ले बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कि रियल क्रिकेट 22 जैसा आपको फीलिंग आएगा, आपको रियल क्रिकेट 24 जैसा भी लगेगा, यानी कि रियल क्रिकेट 22 एंड रियल क्रिकेट 24 के बीच के मिडिल में, बीच के अंदर ये गेम को रख सकते हो। एंड उस हिसाब से आप इसका गेम प्ले भी देख सकते हो कि काफी ज्यादा अच्छा गेम प्ले है। एंड खास करके आप लोग ट्राई करो कि ये जो गेम है वो अपने 2 GB एंड 3 GB जो डिवाइस रैम है उनमें चल रहा है या नहीं चल रहा है,
मेरे हिसाब से कंपनी 2GB and 3GB RAM के अंदर ये गेम को चलाने के लिए ही इस क्रिकेट गेम को रिलीज किया है। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो टॉस एनिमेशन, स्टेडियम का लुक, प्लेयर का इंटोग्रेशन, ये सब कुछ आपको यहाँ पर जो रियल क्रिकेट 24 के अंदर देखने को मिलता है वही सेम यूज किया गया है। यानी कि एनिमेशन बगैर आपको रियल क्रिकेट 24 जैसा ही लगेगा, लेकिन गेम उस हिसाब से अलग लगेगा, आपको लगेगा गेम प्ले जब आप करोगे ना आपको रियल क्रिकेट 22 जैसा लगेगा। तो गेम प्ले काफी अच्छा है, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कंपनी इस क्रिकेट गेम को क्यों रिलीज किया है। रियल क्रिकेट 24 से ही तो हो जा रहा था, क्या ये जो लो एंड डिवाइस है उनके हिसाब से इस गेम को रिलीज किया गया है? अभी भी ये न्यूज कंपनी की तरफ से नहीं आया है, बस ये जो गेम है अर्ली एक्सेस बीटा में रिलीज हुआ है उस हिसाब से आप देखोगे तो गेम काफी ज्यादा अच्छा है। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो गेम के अंदर आप जो जब भी गेम प्ले करोगे आपको ऐसा ही लगेगा कि गेम काफी ज्यादा अच्छा है। एंड गेम प्ले करने के टाइम आपको दो कैमरा मोड भी देखने को मिलेगा, एक आप बैक एंड कैमरा यानी कि आप कीपर एंड से बैटिंग कर सकते हो एंड आपको बॉलिंग एंड से भी देखने को मिलता है। दो कैमरा एंगल आपको देखने को मिलेगा जो कि रियल क्रिकेट 24 के अंदर आपको नहीं मिलता है, लेकिन वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऐसा ही आपको अच्छा अच्छा फीचर्स इस क्रिकेट गेम के अंदर को मिलता है, उस हिसाब से ये जो क्रिकेट गेम है रियल क्रिकेट स्वाइप काफी आगे निकल जाता है। एंड यहाँ पर आपको बैटिंग करने में काफी ज्यादा मजा आएगा, गेम प्ले करके काफी ज्यादा मजा आएगा, स्कोर बोर्ड काफी ज्यादा अच्छा कंपनी ने दिया है स्टार्टिंग से ही। एंड यहाँ पर देख सकते हो शॉट जब मैं मरता हूं ना उस हिसाब से कैमरा एंगल आपको अच्छे देखने को मिलता है, रियल क्रिकेट 24 जैसा ही देखने को मिलता है। आप लोग अपने लो एंड डिवाइस में इस क्रिकेट गेम को प्ले करके देखो, आपको वहां पर यह गेम अगर चलता है ठीक से तो मेरे हिसाब से यह लो एंड डिवाइस के लिए ही फोकस करके मिडिल लो एंड डिवाइस मतलब 1GB 2GB रैम नहीं है, ये 2.5GB and 3GB डिवाइसेस रैम के लिए शायद हो सकता है, 4GB रैम डिवाइस के लिए हो सकता है कि कंपनी इस क्रिकेट गेम को रिलीज किया है। एंड यहां पर काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिसिंग देखने को मिलेगा, जैसे कि मोशन ब्लर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, शेडो वगैरह में भी काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा इम्प्रूवमेंट, जैसा रियल क्रिकेट 24 है ऐसा नहीं है। तो उस हिसाब से कंपनी ने शायद यहाँ पर कटिंग किया है ताकि ये जो गेम है लो एंड डिवाइस में भी चले। तो उस हिसाब से गेम तो ठीक ठाक है, आप आराम से इस क्रिकेट गेम का मजा ले सकते हो। आपको काफ़ी अच्छा कंट्रोल देखने को मिलता है, स्वाइप कंट्रोल मिलता है, जॉयस्टिक कंट्रोल मिलता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड बाकी सारे टूर्नामेंट वगैरह भी है, आप उसको लेके भी खेल सकते हो। एंड यहाँ पर आपको टेस्ट मैच भी देखने को मिलता है, तो आप चाहे तो टेस्ट मैच को भी प्ले कर सकते हो। एंड सभी इंटरनेशनल टीम है, इन फ्यूचर शायद हो सकता है कि आपको क्विक प्ले मैच के अंदर आपको जैसा रियल क्रिकेट 24 में ऑप्शन मिलता है कि आप आईपीएल टीम को लेकर खेल सकते हो, ऐसा ऑप्शन भी यहां पर अपडेट के थ्रू देखने को मिलेगा। यह अभी पहला बीटा वर्सन है, तो पहला बीटा वर्सन के हिसाब से गेम काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। एंड जब भी इसका अगला अपडेट आएगा तो गेम और भी ज्यादा धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट के साथ आएगा। तो यह रियल क्रिकेट स्वाइप आपके सामने मैंने गेम प्ले पेश कर दिया है। होपफुली गाइस आपको यह वीडियो देख के रियल क्रिकेट स्वाइप का डाउट क्लियर हो चुका है, गेम प्ले क्लियर हो चुका है, गेम कैसा है वो भी आपको क्लियर हो चुका है। तो आप प्ले स्टोर से जाकर रियल क्रिकेट स्वाइप डाउनलोड कर सकते हो, आपको लगभग 650 MB के करीब डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ फाइल्स है जो आपको इंटरनेट कनेक्शन ओपन करके डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस गेम को आराम से खेल पाओगे अपने फोन के अंदर। होपफुली आज का यह वीडियो देखने के बाद आपको गेम प्ले का सारा डाउट क्लियर हो चुका है, गेम के बारे में सारा न्यूज क्लियर हो चुका है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना। मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट टाइम धमाकेदार वीडियो में, अभी के लिए इतना ही गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।